जल्दी बताइए एलिप्स क्या होती है। एलिप्स की जो शेप होती है वो कुछ इस तरह की होती है आपकी। बोलो भाई। हाँ सर, हाँ सर। इसमें दो एक्सिस होती है आपकी, एक तो ये जी सर, और ऊपर से नीचे। एक ऊपर से नीचे जी सर। इनका नाम क्या क्या होता है सर? नाम जो आपकी बड़ी एक्सिस होती है ना, जो बड़ी और से होती है उसको कहते हैं हम मेजर एक्सिस। मेजर और एक और होते हैं। एक और होती है आपकी माइनर, ये होती है वह दूसरी होती है, और ये आपकी माइनर होगी है ना। अच्छा, इसमें एक चीज ये है कि जो आपकी छोटी एक्सिस होती है ना, वही तो आपकी मेजर होती है, और जो बड़ी एक्सिस होती है वो कौन सी होती है आपकी मेजर। हाँ कि ना, छोटी माइनर बड़ी मेजर। तो अगर आपकी वर्टिकल वाली बड़ी होती तो वो मेजर हो जाती। ठीक है। अब मुझे ये बताओ इसके कितनी एक्सिस हैं इसमें? दो। और उनके कॉर्नर पॉइंट कौन से हैं? दो। कॉर्नर पॉइंट कितने होंगे इसके? चार। चार सर। चार। तो जब भी हम इलिप्स बनाएंगे, इलिप्स के लिए हमें तीन मेथड, तीन पॉइंट देने होते हैं इसमें। कितने? तीन। तीन। तो हमारे तीन पॉइंट हमें देने हैं, और इसमें हमारे इलिप्स बनाने के तरीके होते हैं दो। कितने होते हैं? दो। दो। कौन से कौन से? एक होता है एक्सिस एंड पॉइंट मेथड, और दूसरा होता है सेंटर पॉइंट मेथड। जी सर। तो इसमें जो डिफॉल्ट मेथड होता है वो होता है एक्सिस एंड पॉइंट। अब एक्सिस के हमें कितने पॉइंट देने हैं? तीन है ना? हाँ है ना। और हमारे पास टोटल कितने हैं? चार सर। चार। तो ये कैसे डिसाइड करेंगे हमें कौन से वाले लेने हैं और कौन से वाले नहीं लेने है? कोई पैरामीटर ऐसा? अच्छा चलो आंसर देते जाना। अगर मैं इसमें फर्स्ट पॉइंट लेता हूँ ए, ठीक है? यस सर। तो मेरा बी पॉइंट को ए क्या कहते हैं, सेकंड पॉइंट कौन सा होगा? अगर मैंने ए पॉइंट को फर्स्ट पॉइंट लिया है तो सेकंड पॉइंट कौन सा होगा मेरा? बी सर। कौन सा? बी वाला। बी वाला क्यों? सर एक ही एक्सिस पे है वो, तो एक ही एक्सिस पे है तो क्या होगा? चलिए गौतम आप आंसर देना चाहोगे? नहीं सर। महेश आप? इसका अमन आपने सही कहा कि अगर हमने ए पॉइंट को लिया है तो हम बी पॉइंट ही लेंगे, ठीक है? और आपने ये भी सही कहा कि वो एक ही एक्सिस के एंड पॉइंट है। जी सर। लेकिन मैंने अभी कहा कि अगर एक ही एक्सिस के पॉइंट है तो क्या फायदा होगा उससे? उससे ये फायदा होगा आपको ए बी की लेंथ मिल जाएगी। जी सर। और जो तीसरा पॉइंट होगा आपको, वो आप इसमें फिर सेंटर से कैलकुलेट कर सकते हो, या तो सी पॉइंट हो सकता है आपको या फिर डी पॉइंट हो सकता है। डी पॉइंट। तो वो जो डिस्टेंस होगा वो कहां से मेजर होगा? सेंटर से। सेंटर से। तीसरा पॉइंट के लिए है ना? ओके सर।
अच्छा अगर मैं अब इसमें बी पॉइंट को ऐसा फर्स्ट पॉइंट लेता हूं तो मेरा सेकंड पॉइंट कौन सा होगा? बी को सर फर्स्ट पॉइंट, हाँ तो ए होगा सर बिल्कुल, और सी को फर्स्ट पॉइंट लेता हूं तो डी होगा सर। वेरी गुड। तो अब देखो हम जो एलिप्स बनाने जा रहे हैं एक्सिस एंड पॉइंट मेथड से, तो उसकी डायमेंशन मैं आपको बता देता हूँ, ये टोटल डायमेंशन इसकी, ठीक है, ये एवी की लेंथ है आपकी 200, ठीक है, और सीडी की लेंथ है आपकी 100, ठीक है। अब मुझे बताना कि आप क्या मैं कैसे कैसे करना है, ठीक है। अब देखो एलिप्स का मेथड ये है, और एलिप्स के मैंने आपको दो मेथड बताए थे, सेंटर पॉइंट मेथड और एक्सिस एंड पॉइंट, राइट? एक्सिस एंड पॉइंट मेथड, हाँ। तो एक्सिस एंड पॉइंट वाला वो है, वो आपका डिफॉल्ट है, और इसकी शॉर्टकट की होती है क्या, ई एल, क्या होती है ई एल, जैसे ई एल, हेलो ई एल फॉर लाइन, ई एल, हेलो ई एल, हाँ जी। और अभी देखो नीचे क्या लिखा रहा है, पढ़ो, हेलो कमांड विंडो में क्या लिखा रहा है सर, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, शुरू से बताइएगा सर कैसे, ये एंटर होगा सर पहले, हाँ जी हाँ जी, ई एल आपने डाला है यहाँ पे सर, ई एल लिप्स के लिए ना सर, लिप्स के लिए आपको, हाँ जी ई एल, जी सर एंटर मारा, अब क्या बोल रहे हैं आपसे, जी सर आर को एंटर, एक्सिस एंड पॉइंट ऑफ एलिप्स, यानी कि ये डिफॉल्ट, हाँ डिफॉल्ट मेथड है, अपने आप लग के आया है, है कि नहीं, जी सर। अब इस पे आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं फर्स्ट पॉइंट के लिए, और ये हम राइट साइड में जा रहे हैं, क्या मांग रहा आपसे, देखो स्पेसिफाई अदर एंड पॉइंट ऑफ एक्सिस, तो फॉर्म कितना लेंगे हम, 200 सर, क्यों गौतम कितना लेंगे, 200, तो 200 एंटर कर दो इसमें, जी सर। अब क्या मांग रहा है आपसे, डिस्टेंस टू अदर एक्सिस और टू अदर एक्सिस, तो कितना ले लें अदर एक्सिस के लिए, सर 100 लेंगे एंड से लेना, तो सर 50 लेंगे एंड से लेना, तो देखो वो कहां से ले रहा है, मैंने बताया था आपको सर, स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे रहा, सर 100 लेना है, 100 तो डियर आपका सी से डी तक का डिस्टेंस है ना, लेकिन ये देखो आपका स्क्रीन पे कहां से ले रहा है, कहां से मेजर कर रहा है, सर सेंटर पॉइंट से, सेंटर पॉइंट से, तो कितना लेना पड़ेगा, 50 तो आपको इसमें 50 डालना पड़ेगा और एंटर करना पड़ेगा, इलिप्स बन गया देखो आपका, जी सर। किसी को कोई डाउट इसमें, नो सर। अब अगला मेथड आता है आपका सेंटर पॉइंट मेथड, कौन सा, सेंटर पॉइंट। अब सेंटर पॉइंट में देखो क्या होता है, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, ईएल एंटर, ईएल तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, ईएल टाइप किया आपने, स्क्रीन दिख रही है ना, हाँ जी, ईएल टाइप किया आपने, अब आपको कौन सा मेथड एक्टिवेट करना है, सेंटर पॉइंट मेथड, तो आप क्या करोगे, आप टाइप करेंगे सेंटर, यस सेंटर टाइप के लिए आप क्या करोगे, सी टाइप करेंगे, सी टाइप करेंगे और एंटर मारेंगे, ठीक है, ओके सर। अब क्या, अब देखो क्या मांग रहा है आपसे, सेंटर ऑफ एलिप्स, सेंटर ऑफ एलिप्स, यहाँ पे सेंटर पॉइंट दे दो, ये दे दिया जी। अब पहले मैं ए पॉइंट को बनाऊं कि बी पॉइंट को बनाऊं कि सी को बनाऊं कि डी को बनाऊं, आप बताओ,
सर क्या बोले हमें? हेलो, हमारे इलिप्स के चार पॉइंट थे ना, ए बी सी डी। जी सर। सेंटर पॉइंट हमने ले लिया है। जी सर। अब आपको कौन सा पॉइंट बनाना है, ए बनाना है कि बी बनाना है कि सी के डी? ए बनाओ सर। ए बनाते हैं, तो इसको लेफ्ट साइड में करना पड़ेगा ए पॉइंट के लिए। जी सर। और कितना डिस्टेंस देना पड़ेगा आपको? 100 सर। क्यों? तो टोटल 200 है तो सर 100 देके सेंटर। समझ में आया गौतम? जी सर। तो 100 दे दे। हाँ जी सर। अब दूसरा डिस्टेंस ऑटोमेटिकली आपका सी और डी की तरफ जाएगा। हाँ सर। वो कितना लेना पड़ेगा आपको? सर 50। 5 दे दो 50। तो देखिए लिस्ट बन गया आपका। जी सर। तो इसमें कोई डाउट आपको? दोनों मेथड था सर, एक्सिस एंड मेथड था। हाँ सर। उसमें सर ईएल एंटर करेंगे तो सर जो हमने फर्स्ट मेथड लगाना सर उसके लिए कौन सी की लगाएंगे एंटर करेंगे? भाई जो मैं कहता हूँ ना कि ये डिफॉल्ट मेथड है। जी सर। तो जी सर जैसे आप ईएल पड़ेगा उसको? नहीं, वो अपना आता है, जैसे आप ईएल करोगे तो वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होके आता है वो मेथड। ओके सर। जैसे आपने, हाँ जैसे कि आप सी एंटर कर दो सर्कल के लिए। हाँ जी सर, वो सेंटर पॉइंट के लिए आ जाएगा। सेंटर पॉइंट और रेडियस वाला लग के आता है। जी हाँ जी। अगर आपने आर ई सी एंटर किया तो कौन सा लग के आता है? सर रेक्टेंगल। टू कॉर्नर पॉइंट है ना? जी सर। टू कॉर्नर, टू पी वाला। हाँ नहीं, टू पी वाला नहीं, टू कॉर्नर पॉइंट वाला। ओके सर। और अगर आप पॉलीगन लेते हो तो उसमें कौन आता है? प्यूअल एंटर सर, दो आ जाएंगे सर उसमें, इनसब्सक्राइब्ड और सर्कमस्क्राइब्ड और एज मेथड। नहीं भाई, लेकिन जो डिफॉल्ट लग के आता है वो सेंटर पॉइंट मेथड लग के आता है ना, उसमें भी इनसब्सक्राइब्ड और सर्कमस्क्राइब्ड तो आपका सेंटर पॉइंट के अंदर के ऑप्शंस हैं। हां जी सर। तो डिफॉल्ट वाला मेथड कौन सा होगा? सेंटर पॉइंट मेथड। और इलिप्स में डिफॉल्ट वाला कौन सा है आपका? एक्सिस एंड पॉइंट। एंड पॉइंट। आ गया समझ? सबका एक डिफॉल्ट मेथड होता है जो कि उसी के साथ एक्टिवेट होके आता है। ठीक है। ओके सर। रेक्टेंगल के लिए सर टू कॉर्नर पॉइंट मेथड हो गया डिफॉल्ट मेथड। हाँ जी। ओके। सर्कल के लिए सर वो हो गया सेंटर विद रेडियस और डायमीटर। नहीं, हाँ हाँ कह सकते हैं सेंटर रेडियस। सेंटर रेडियस, क्योंकि डायमीटर के लिए भी तो आपको आगे जाके डी एंटर करना पड़ता है सर। रेडियस के लिए भी आर एंटर करना पड़ता है हमें इसके लिए। ये सर सी सर्कल का लगाएंगे तो सी एंटर करेंगे तो सर रेडियस के लिए आर एंटर करना पड़ेगा पहले हमें? नहीं करना पड़ता भाई, पहले सेंटर पॉइंट देंगे। जी सर। फिर रेडियस मांगेगा आपसे। ठीक है सर। और डायमीटर का करना तो हमें डी लगाना पड़ेगा ना सर? हाँ, तो डी लगाना पड़ेगा आपको सेंटर पॉइंट देने के बाद। ओके सर, ठीक है। लगता प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो आप लोग। नहीं सर, कर रहे हैं प्रैक्टिस। ठीक है, तो आपको ये दोनों मेथड क्लियर है? हाँ जी सर। अब इसमें तीसरा मेथड होता है आर्क मेथड, इलेक्ट्रिकल आर्क। आर्क पता है ना क्या होता है? इलेक्ट्रिकल आर्क। जी। सिंपल आर्क की बात कर रहा हूँ पहले मैं। तो मतलब सर्कल का कोई भी पार्ट अगर हम बनाते हैं तो उसको आर्क कहते हैं, सर्कल का कोई भी पार्ट। हाँ जी सर। जैसे कि आपने कोई भी कॉर्ड बनाई है ना? जी सर। तो कॉर्ड आपके सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है। Yes, sir. तो जो एक पार्ट है यानी कि दो आर्क में डिवाइड हो गया सर्कल आपका। हाँ जी सर, दो पार्ट में कट जाएगा वो, दो आर्क बन जाएंगे। दो आर्क बन जाएंगे। तो वैसे ही अगर आपको इलिप्स को दो पार्ट में डिवाइड करना है तो वो आपका इलिप्टिकल आर्क कहलाएगा। जी सर। ठीक है ना। तो उसके लिए हमें मैक्सिमम कितने पॉइंट लेने पड़ेंगे? देखो सबसे पहले तो आपको इलिप्स बनाना पड़ेगा उसके लिए। यस सर।
इलिप्स में आपको कितने पॉइंट देने पड़ते हैं? चार सर। तीन चार। भाई हाँ तीन 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 और दो पॉइंट और बढ़ जाएंगे आपके स्टार्ट पॉइंट ऑफ आर्क और एंड पॉइंट ऑफ आर्क। ओके छह टोटल पांच भाई पांच ठीक है पांच पांच हाँ जी सर। अब देखो या तो आप डायरेक्टली यहाँ से ले लो इलिप्टिकल आर्क इलिप्स में से ही ओके सर या फिर आप क्या करो पहले ई एल एंटर ठीक है। अब देखो इसमें ब्रैकेट में आगे लिखा रहा है ना आर्क ए एंड आर्क एंड सेंटर ये आर्क सेंटर जी सर। हाँ तो आपको यहाँ ए दबाना पड़ेगा सर। अब आपके पास देखो कौन से दो मेथड हाँ ए एंटर कर दिया। अब आपके पास में कौन से दो मेथड बचे हुए हैं? एक्सिस वाला एक सेंटर वाला। तो अब आपको इलिप्स कौन से मेथड से बनानी है? इलिप्स बनाने एक्सिस एंड पॉइंट से या सेंटर पॉइंट से? सेंटर पॉइंट सर। तो आपको उसके लिए फिर से यहाँ से एंटर करना पड़ेगा क्योंकि वो ब्रैकेट में। अब आपसे क्या बोल रहा हूँ? सेंटर दे मांगा। तो सेंटर पॉइंट यहाँ दे दें सेंटर पॉइंट ये दे दिया। अब आपको कौन सा पॉइंट देना है ए बी सी डी? सर बी जाएंगे सी जाएंगे सी जाएंगे सी जाएंगे तो नीचे की तरफ आना पड़ेगा है कि नहीं? तो कितना डिस्टेंस लेना पड़ेगा नीचे की तरफ? पुराना वाला बना रहे हैं। हाँ वही पुराना वाला ही बना रहे हैं। 50 50 हाँ जी हाँ जी 50। और दूसरा पॉइंट कितना लेना पड़ेगा हमें? 100 दे दिया। अब इसमें देखो अब आपसे क्या मांग रहा है? कैसे स्टार्ट एंगल हो पैरामीटर और पैरामीटर स्टार्ट एंगल दे दें इसमें कि आपको आर्क कितने एंगल से स्टार्ट करना है। ओके सर कितने से करना है बताओ? ये तो सर कुछ नहीं जीरो ले लें जीरो से करना है स्टार्ट तो। हाँ जीरो जीरो से स्टार्ट करना है। और अब आपसे पूछ रहा है कि कितने एंगल तक एंड करना है कितने एंगल पे आपको देखो जीरो से स्टार्ट हो रहा है और बन भी रहा है आपका स्क्रीन पे तो लास्ट एंगल कितना हाँ, चाहिए आपको? 150 हाँ जी हाँ तो 150 डाल दो इसमें तो देखिए ये आर्क बन गया आपका जी सर। अब कोई मुझे ये बताएगा ये 10 से 150 जो एंगल लिया है हमने क्या है ये? एक्चुअली देखो ये सेंटर पॉइंट पे तो एंगल बनेगा ये आपका सेंटर पॉइंट है ठीक है जी। और ये आपका जीरो एंगल है जी सर और सेंटर से ही ये आपका हो गया 150 तो सेंटर पे ये जो एंगल बना है आपका ये वाला ये आपका 150 है ये देखो। ओके सर सेंटर से लिया ना सेंटर मेथड से लिया तो हमें नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है सेंटर पॉइंट से एंगल हमेशा सेंटर पे ही बनेगा चाहे वो सर्कल हो चाहे इलिप्स हो। ओके सर आर्क के केस में। ओके सर सर एक बार इसका टोटली होल प्रोसेस लिखवाना फिर से। सबसे पहले देखो आपको या तो आप यहाँ से ले लो तो अगर यहाँ से लेते हो तो आपको ई एल और सी एंटर करने की जरूरत ए एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके सर और अगर आप यहाँ से ले रहे हो तो यहाँ से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? ई एल एंटर फिर आपको ए एंटर। ओके अगर आप ले रहे हो एक्सिस एंड पॉइंट ओके सर तो आपको कुछ भी दबाने की जरूरत नहीं है सीधे एक्सिस के एंड पॉइंट दे दो। ओके सर और अगर आपको सेंटर पॉइंट लेना है तो सी एंटर सी एंटर तो फिर आपको दोनों पॉइंटों के तीन तीन पॉइंट देने पड़ेंगे उसी के अकॉर्डिंग एक्सिस पॉइंट ले रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग और सेंटर पॉइंट ले रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग। ओके चौथा पॉइंट क्या होगा? स्टार्ट पॉइंट ऑफ आर्क
और पांचवा पॉइंट होगा एंड पॉइंट होगा। ओके आ गया समझ? जी सर। तो ये एलिप्स क्लियर है आप सबको? हाँ जी सर। अच्छा इसमें मैं अब आपको एक फिगर दे रहा हूँ, वो आपको बनाना पड़ेगा एलिप्स इस मेथड से, ठीक है? ओके। तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे और उसमें कॉपी में बना लेंगे, ठीक है? ये एक वर्टिकल लाइन है आपकी, एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन है आपकी, एक नीचे की तरफ आए और यहाँ से एक ऐसे आए आप, और यहाँ से फिर नीचे की तरफ आए और इन दोनों को जॉइन करते, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपने एक इलिप्स आपने ऊपर बनाई इस तरह से, ठीक है, और एक इलिप्स बना दी आपने नीचे की तरफ, यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी बन गई है, छोटा कर देते, ठीक है? अच्छा, और ये हमें इसमें से वो नीचे नीचे वाले में से ये वाला पार्ट हमें नहीं चाहिए, इस तरह से होनी चाहिए हमारी, ठीक है? आर्क होना चाहिए ना? आर्क होना चाहिए, और ये आपका इस तरह से जॉइंट होना चाहिए, और एक आपका ये इस तरह से ज्वाइन होना चाहिए, और एक आपका ये इस तरह से ज्वाइन होना चाहिए, ठीक है? और ये डिस्टेंस कितना कितना अपनी मर्जी से, ये 85, ठीक है 85, और ये इसकी चौड़ाई है 50। ओके सर। कहां से कहां तक? यहां से ये, तो ये कितना बचेगा? 50 ये भी आपका 50 का है, तो ये लेंथ भी आपकी फिर से 35 की होगी ये वाली जी। और कौन सी डायमेंशन रह गई इसमें? हाँ एक रह गई है सर, एंगल कौन सा देना जी जो बीच में देंगे हम, ये लाइन लगाएंगे। एक मिनट, ये जो है ये आपका होगा 20, 20, ठीक है? और ये वाले एंगल की बात कर रहे हो? ये हाँ जी भाई, इसमें तो तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी एंगल लेने की यार, सीधे दे दें सर। एक एक लाइन ऐसे बनाओ, एक लाइन ऐसे बनाओ, नीचे वाला पॉइंट मिल जाओ, दोनों कॉर्नर पॉइंट को जॉइन कर दो, ठीक है? ठीक है चलिए, लाइन बीच में आ जाएगी और ये मिड से जाएगी जाएगी आपकी। ओके भाई, हाँ अब बना, इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप इसका वो ले लो। ले लिया जी सर, हटा दूं? हाँ जी, ठीक है। अब देखो ऐसे ही आपके पास होते हैं सर्कुलर आर्क के ऑप्शन, ये है आपका थ्री पॉइंट आर्क, इस तरह से बना सकते हो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट। फिर आपके पास स्टार्ट सेंटर एंड है, स्टार्ट सेंटर एंगल, स्टार्ट सेंटर लेंथ, स्टार्ट एंड और एंगल, स्टार्ट एंड और डायरेक्शन, स्टार्ट एंड और रेडियस, स्टार्ट सेंटर एंड, सॉरी सेंटर स्टार्ट एंड, सेंटर स्टार्ट एंगल, सेंटर स्टार्ट लेंथ, ठीक है? कंटिन्यू में क्या होता है, आपका जहां पे भी लास्ट वाला आर्क छूटेगा वो वहीं से आपको फिर से स्टार्ट पॉइंट ले लेगा आर्क का बस। तो ये आर्क के ये आपके 11 मेथड हैं, इनमें से कोई ऐसा है जो आप नहीं समझ पा रहे? एक्चुअली ये हमें इसलिए दिए गए कि कंडीशन आपकी कोई सी भी हो सकती है आपके फिगर में, तो आपको उसी के अकॉर्डिंगली क्या करना पड़ेगा, आर्क मेथड चूज करना पड़ेगा आपको। उसमें ये आइडेंटिफाई करने की जरूरत पड़ेगी कि आपका कौन सी चीज वहां पे आपको अवेलेबल है, ठीक है? ओके सर। कोई डाउट? नो सर, स्टार्ट सेंटर एंड बना के देखते हैं सर, सम करते हैं। बिल्कुल बना के देखिए, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप मंडे को मुझसे पूछना, कल आपके छुट्टी है
कल छुट्टी देगी सर? हाँ कल संडे है, संडे